राम राम दोस्तों, आज नया स्कैम चल रहा है डूंगरगढ़ के अंदर। 2 से 3 स्कैम है वो हो चुके हैं। हमारे साथ भी एक स्कैम हुआ है, किसी अननोन नंबर से कॉल आया और हमें बोला कि 4 PC का ऑर्डर है और आप वहां पे जाओ, वो पार्टी आपको है वो पैसे दे देगी। और वैसे ही किसी ई मित्र वाले को फ़ोन कर दिया, बोला कि वहां पे मेरे को बोल दिया कि कोई बंदा मैं भेज रहा हूं, वो आपको कैश दे देगा, मतलब मैं उसको कैश दूंगा और आप मुझे फ़ोन पे कर दो। तो ई मित्र वाले के पास मैं गया, उसने उनको फ़ोन पे कर दिया, वो मेरे से पैसे मांग रहा है, मैं उनसे पैसे मांग रहा हूँ। इस तरीके का स्कैम है वो चल रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं अपना, वो सचेत हो जाए। इस टाइप का जो स्कैम है वो काफ़ी चल रहा है और अभी बहुत ही ट्रेंड के अंदर है, तो सचेत रहें। आपके पास किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए और ये कोई भी ऑर्डर का बोले, जरूर नहीं कि मेरे पीसी के बोला है, आपके सीसीटीवी कैमरा, बैटरी या कोई भी आपका व्यापार है, धंधा है, उसके प्रति कॉल आ सकता है। तो थोड़ा सा सचेत रहे, जहां भी आप जा रहे हो कोशिश रहे कि आप उनको दुकान पे बुला के बातचीत करो कि क्या बात है क्या नहीं है, डायरेक्ट किसी के पास जाना मत अननोन नंबर से अगर कॉल आए। तो एक घटना इस भाई के साथ भी हुई है, ये भी आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या घटना हुई है। बताइए भैया। मेरे पास भास्कर कंप्यूटर से कोई बंदा आया, उसके फोन पे उन्होंने फोन किया था अननोन नंबर से, तो वो भास्कर वाले बंदे ने आके मेरे से बात करवाया, तो वो उनको तो बोल रहा है कि आप ई मित्र पे जाके केस ले लो वहां से। और मैंने जब उनके फोन से बात किया तो मेरे को बोल रहा है कि फोन पे कर दो पैसे, तो मैंने उसको फोन पे पैसे कर दिए। अब हमारे बीच भी यही हो रहा है दोनों के बीच में, जो सेम भाई के साथ हुआ है। तो कृपया करके इसका ध्यान रखे, अननोन नंबर से कोई भी कॉल करे तो उसको अपने पास बुला के फिर पैसा सोच समझ कर करे, दोनों तरफ से अपनी जानकारी पूरी मिला ले, ठीक है। इसमें वो करते क्या है, जैसे मुझे कॉल कर दिया कि 4 PC का ऑर्डर है, मैंने पीसी का टोटल अमाउंट बता दिया, तो बोल रहे कि आप काम स्टार्ट कर दो, 20,000 रुपये मैं किसी पार्टी से दिला रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके ले लो, ठीक है। तो मुझे किसी ई मित्र पे भेज दिया और उसी ई मित्र वाले को वो फ़ोन करके बोल देते हैं कि कोई आदमी आ रहा है हमारा, वो आपको 20,000 रुपये कैश दे देगा, आप हमें फ़ोन पे कर देना। समझ गए मेरी बात को, यानी मुझे तो बोल रहे हैं कि वहाँ से पेमेंट ले लो और ई मित्र वाले को बोल रहा है कि कोई बंदा आएगा उससे कैश ले लेना। और ई मित्र वाले के पास मैं वहाँ गया तो उसने उनको फ़ोन पे वो कर दिया पेमेंट। मैं मुझे पूछा नहीं कि भाई मैं किसको करूं, आप केस लेके आए, उनको करूं या आपको करूं, डायरेक्ट है वो फ़ोन पे उनको कर दिया। उसके बाद में ये जो स्कैम है वो हो गया। अब मैं उनसे 20,000 रुपये मांग रहा हूं क्योंकि पीसी का ऑर्डर पीछे से कॉल आई थी, कॉल भी अननोन नंबर से आई थी, ध्यान रहे, ये गूगल से कहीं से भी नंबर उठा लेते हैं रेंडमली। तो गूगल पे मेरा जो शॉप का है वो सारा डला हुआ है, तो वहां से नंबर उठा लिए, फ़ोन कर दिया। तो इस टाइप का फ्रॉड है वो चल रहा है। अब ई मित्र वाला मेरे से मांग रहा है, मैं ई मित्र वाले में मांग रहा हूँ कि भाई 4 PC का ऑर्डर है, आप मुझे पैसे दो। वो बोल रहा है कि मैंने फोन पे किया है पार्टी को, आप मुझे पैसे दो। तो ये जो स्कैम है वो चल रहा है, कृपया करके सचेत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। आपको हर टाइप से सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आप किसी भी अननोन नंबर से फ़ोन आए, आप किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, चाहे मोबाइल शॉप हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपके पास अननोन नंबर से कॉल आए, कोशिश रहे कि आप उनको दुकान पे बुला के बातचीत करें और पूरी बात क्लियर करें जो भी है, या ई मित्र वाले जो भी भाई हैं वो पहले बात क्लियर कर लें। और किसी को भी पेमेंट करो तो पहले पेमेंट है वो कैश ले लो। अगर वो मेरे से पहले कैश मांग लेता कि भैया लाओ कैश दो, मैं फ़ोन पे कर देता हूँ, तो ये घटना है वो वहीं पे रुक जाती। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रहे, जो ये स्कैम है वो जोरों शोरों से बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब हो पक्का करना। धन्यवाद। और अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा भेज भी दे कि मैं आपको कोई लड़का भेज रहा हूँ, आप फोन पे कर देना, वो लड़का आपको कैश दे देगा, तो जो भी ई मित्र वाले भाई हैं वो पहले कैश ले ले उससे, उसके बाद फोन पे करें। इसका खास ध्यान रखें कि हो सके सामने वाला जो बंदा आ रहा है उसके पास में कैश हो भी ना हो, तो इस बात का विशेष करके ध्यान रहे, इस स्कैम से बचें। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आगे जो बचे लोग हैं उनके साथ इस टाइप से कोई स्कैम है वो न हो। धन्यवाद दोस्तों।